ओके, सब लोग मेरे साथ में हैं, वजन सुनने के लिए तैयार? ओके, एक चित्र आएगा आपके सामने और मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, उसके बाद मैं सीधे के सीधे वचन में लेके जाऊंगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी जो था वो हॉस्पिटल से निकला अपने बेटे को लेकर, और फिर जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकला बेटे को लेकर, तो फिर उसने, उसका बेटा बहुत खुश था, बहुत नाच रहा था, आवाज़ें कर रहा था, बहुत खुश था, और पापा भी बहुत खुश था। दोनों एक बस में बैठ गए, और फिर बस में जब वो देखता है, बाहर देखता है, वो बोलता है, अल्लाह वो चार दे। तो लोग बस में बैठे हैं, वो भी देख, सुनो आप उस बस में बैठे हो, आप बोलोगे और बच्चा पीछे आवाज कर रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद वो देखता है कौवा, एक कौवा जा रहा, उड़ रहा है, काव काव करता है, उसकी नजरें जाती है, वो बोलता है पिताजी वो देख काला कौवा। थोड़ी देर के बाद वो एक मोटे आदमी को देखता है, ओके, काले कपड़े पहने हुए वो जा रहा है, वो देखता है पिताजी मोटा काला कपड़ा पहन के, और ऐसे वो बोलते जा रहा है, पिताजी खुश है, पब्लिक परेशान है। और पब्लिक सब बोलती है, अंकल क्या है, चलो उतरो बस में से, बहुत नाटक हो गया। कंडक्टर भी क्या समझ नहीं रहा है, बेटा और बाप कोई चीज को ध्यान नहीं दे रहा है, खास करके बेटा तो बहुत खुश है, तो बोलते हाँ उतरते, बस से उतर जाते हैं, और फिर बाप रुकता है, एक टैक्सी बुक करता है, टैक्सी आती है, टैक्सी में बैठते हैं, पीछे बैठते हैं, फिर टैक्सी में से बेटा बाहर खिड़की से देखता है, और वो एक वो ब्रिज के पास जाते हैं, ब्रिज, और नीचे वो नदी बह रही है, और फिर वो नदी में देखता है, पिताजी पानी पानी पिताजी पानी, पिताजी बोलता है हाँ बेटा पानी, और वो ब्रिज बोलते हैं ये इसको ये ब्रिज है, पिताजी बोलता है हाँ बेटा ये ब्रिज है। और ड्राइवर कांच पे से देख रहा है कि पीछे क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद बेटा आसमान को देखता है और बोलता है नीला आसमान, बहुत खुश होता है। और ड्राइवर एक सवाल करता है, बोलता है साहब क्या हो गया, सब ठीक है ना? और बाप उसका खुश है, हंस रहा है, लेकिन रो रहा है, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो लड़खड़ाई हुई आवाज में कहता है, मेरा बेटे को जब पैदा हुआ था तो वो अंधा था, आज उसका ऑपरेशन होके वो हॉस्पिटल से बाहर आया है और उसको आंखें मिली है और वो सब देख सकता है। आई वांट टू स्टार्ट माय मैसेज, आज मैं अपना संदेश इसी बुनियाद पर लेकर आऊंगा, ये बातें आपके बीच में आएंगी। एक वचन है यूहन्ना का 7:24 में मैं पढ़ना चाहूंगा, यीशु ने कहा था, बातें जैसे दिखती हैं उसी आधार पर उनका न्याय मत करो, बल्कि जो वास्तव में है उचित है उसी के आधार पर न्याय करो। और कई बार हम अपने जीवन में गलत नजरिया, गलत सवाल करके हम लोग उस चीज को मिस कर देते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिखाना चाहता है, करना चाहता। अर्ज मैं आप सबसे विनती करता हूं कि परमेश्वर हमारे अंदर
यस प्लीज, हमारे कुछ नए मेहमान आए हैं। वेरी गुड। आप खड़े हो जाए, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। आज हमारे बीच में जितने लोग पहली बार आए हैं, प्लीज खड़े हो जाए, हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। आशा करता हूं हम लोग मीटिंग के बाद आपसे मिलेंगे एंड इस वक्त हम वचन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और बहन है यहाँ पर हमारे बीच में, जमुना की कजिन है, वो भी पहली बार आई है, उसका भी स्वागत करें जोरदार। यस, वेरी गुड। यीशु का जो वचन है वो कहता है, मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, बातें जैसे दिखती हैं उसी आधार पर उसका न्याय मत करो, बल्कि जो वास्तव में उचित है उसी के आधार पर न्याय करो। समय से पहले कोई चीज का न्याय मत करो, कंक्लूजन में मत आना। हम लोग मिस कर देते हैं वो जो कठोर चीज हमें दिखती है, उसके पीछे जो नरम चीज, जो पवित्र चीज है, हम उसे खो सकते हैं। आई डोंट वांट टू मिस दैट। मैं नहीं चाहता कि हम लोग अपने जीवन में कई बार इन चीजों से का सामना करें और उसके पीछे जो अच्छी चीज परमेश्वर दिखा रहा है उसे हम खोना नहीं चाहिए। आमीन। आज मैंने अपने शीर्षक का नाम दिया है, खजाना कहाँ है। खजाना कहाँ है। कितने लोग खजाना खोजने के लिए तैयार हैं, खजाना पाने के लिए तैयार हैं? खजाना चाहिए कि नहीं? खजाना चाहिए। गुप्ता जी को नहीं चाहिए? उसके दोनों हाथ बच्चे को पकड़े हुए, उसका खजाना उसकी गोद में है। हालेलुया, वेरी गुड। ओके, तो आज एक वचन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। यस प्लीज। कोरिंथ का किताब में ये वचन है, 2 कोरिंथ 4:7 में ये वचन है। और ये वचन पढ़ने से पहले ऊपर ऊपर ये वचन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा। ये कोरिंथ की कलीसिया क्या थी? पॉल गया था कोरिंथ के लोगों के बीच में प्रभु का समाचार देने के लिए। और कोरिंथ के लोग प्रभु को अपनाने से पहले क्या करते थे मालूम है? वो भयंकर लोग थे, वो मूर्ति पूजा करते थे, वो लोग क्या बोलते हैं, झगड़े में नंबर वन थे, जादू टोने में वो एकदम उस्ताद थे, और क्या बोलते हैं, सारी गंदी चीजें जो थी, व्यभिचार बोलो, सब चीजें उस उन लोगों के बीच में फूट फूट कर भरी थी। अब पॉल ऐसे लोगों के बीच में जाता है और प्रभु का समाचार देता है, और वहां पर कई लोग प्रभु को अपनाते हैं। वहां पर एक मजबूत कलीसिया स्थापित होती है। लेकिन जब कलीसिया स्थापित होती है तो उनकी पुरानी आदतें हैं वो अभी भी नहीं गई हैं, और फिर पॉल उनको वो सिखाने लगता है कि ये जो तुम पहले करते थे वो गलत है। अब परमेश्वर के प्रेम को देखो, परमेश्वर के नजरिए को देखो। और फिर ये सिखाते सिखाते पॉल उनके सामने एक खास बात बोल देता है जो मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। रेडी है सुनने के लिए? ओके, तो कहता है पॉल उनके साथ, 2 कोरिन्थ 4:7 में कहता है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। ये धन की जगह पे खजाना बदलेगा, परंतु हमारे पास यह खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। आमीन।
इस वचनों में पॉल कहता है ये धन जो है, ये धन वचन जो है वो अंग्रेजी में लिखा है ट्रेजर, खजाना। ये खजाना जो है वो मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। और ये खजाना क्या है? ओके, खजाने का जिक्र यीशु ने भी किया था। यीशु ने कहा था मती 13:44 में, यीशु ने कहा था स्वर्ग का राज्य खेत में गड़े धन जैसा है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और फिर उसे वही गाड़ दिया। वह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने जो कुछ उसके पास था जाकर बेच दिया और वह खेत मोल ले लिया। हाल ही में मैं अखबार पढ़ रहा था, 2 दिन पहले की बात है। एक व्यक्ति है जो ये जो क्वेरी में काम करते हैं, पत्थर तोड़ के निकालते हैं, वो क्वेरी में काम करने वाला व्यक्ति था। और वो क्वेरी में काम करते करते उसके हाथ में एक ऐसा पत्थर लगा जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपया थी। ये अभी 2 दिन पहले की बात है। उसके हाथ में एक ऐसा पत्थर लगा जिसे तराशने पर वो हीरा बनता है और उसकी कीमत आंकी गई 1 करोड़ रुपया, जिस ऊपर में उसका फोटो आया। जिस लोगों ने ये न्यूज टीवी में भी देखा होगा। ओके, यीशु कहता है स्वर्ग का राज्य खेत में गड़े धन जैसा है। हमारे पास एक खजाना है और वो खजाना क्या है? स्वर्ग का राज्य। वो खजाना किसी मनुष्य के हाथ में लगता है जब वो खेत में काम कर रहा है, देखता है उसमें अटका हुआ है, वो देखता है ये खेत इसके अंदर मुझे मिला है। वो जाता है घर पे, सब कुछ बेच बाचता है, बोलता है मुझे वो खेत खरीदना है, क्योंकि उस खेत के अंदर क्या है? बोलते इतना कीमती है, इतना बहुमूल्य है, इतना श्योर है, इतना अच्छा है कि मैं सब बेच बाच के उस खजाने को पाने के लिए उस खेत को खरीद लेता हूं। और फिर पॉल इस बात को दोहराता है, पॉल जिसने यीशु को डायरेक्ट कभी मिला नहीं था, पॉल को भी परमेश्वर ने दर्शन दिया कि ये खजाना है जो तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने दिया। खजाना। और फिर वो बताता है एक और चीज कि ये खजाना कोई तिजोरी में नहीं रखा है। हमारे तिजोरी में, घर की तिजोरी में अगर मैं बताऊं क्या है तो आप हैरान रह जाएंगे। हमारे घर की तिजोरी में मेरे और मंजू के 25 साल पहले किए हुए वादे का पेपर है, उस कपड़े में हमने बांध के रखा और हमने उस तिजोरी में अभी 25वां सालगिरह का अभी पेपर रखा। हमने कहीं फेंक नहीं दिया, हमारे लिए बहुमूल्य है कि जो हमने वादे सबके सामने किए थे वो वादे हमने तिजोरी में रखे। अगर कोई चोर चोरी करने आएगा तो उसे वो मिलेगा जो उसके काम का नहीं लेकिन हमारे काम का। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? घर में है सोना है, किधर रखा है ना तो बताओ मैं, ठीक है? लेकिन पॉल बता रहा है कि ये जो खजाना है परमेश्वर का वो कहां रखा है। पॉल हमें खजाने की लोकेशन देता है, बताता है ये लोकेशन, ये खजाना ऐसी जगह पे रखा है, वो कहता है वो मिट्टी के बर्तनों में रखा है। किसके बर्तन? बिना साइड को निकल के और ये मिट्टी के बर्तन। और दूसरा है नीचे लिखेगा और नीचे नेक्स्ट। हाँ ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है? मिट्टी का बर्तन है और वो भी क्या है? क्या है वो मिट्टी का बर्तन? अच्छा है कि टूटा हुआ है? और उसके अंदर से क्या निकल रहा है? रोशनी आ रही है। ओके, गो बैक टू द स्क्रिप्चर। ओके, मिट्टी के बर्तनों में, रोमियो की किताब में
इस मिट्टी के बर्तन के बारे में क्या लिखा है और कौन है ये मिट्टी का बर्तन, ध्यान से सुनिएगा। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया है, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों से भी बुलाया। तुम्हें और मुझे परमेश्वर ने, हम जिस खानदान में पले बड़े ना, उसमें से परमेश्वर ने बाहर निकाला, खींच के बाहर निकाला और बोला, अरे वो साम्राज्य तो जो है वो नाश का साम्राज्य है, मेरा साम्राज्य जीवन देने वाला साम्राज्य है, क्योंकि मैं मरे हुओं का परमेश्वर नहीं हूं, मैं किसका परमेश्वर हूं, जीवितों का परमेश्वर। और वो कहता है मैं इन लोगों के अंदर अपना खजाना उंडेल रहा हूं। तुम्हारे अंदर उसने क्या डाला है, खजाना डाला। आप लोगों ने फिल्में देखी हैं और उन फिल्मों में स्टार्टिंग में एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जहां पर तहखाना है और वहां पर खजाना है, ठीक है, और फिर बाहर सब दिखाते, सब नॉर्मल चल रहा है और कोई एक बात करता है, होता है मेरे को खजाना मालूम है, और फिर दूसरे को मालूम पड़ता है, फिर वो लोग प्लान करते हैं खजाना लूटने के लिए या खजाना निकाल कर आने के लिए। और जब वो खजाना निकालने जाते हैं उनको रास्ते में बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, सही है कि नहीं। इवन जब कोई एक फिल्म आई थी धूम धूम, धूम फिल्म में वो चोरी करने वाला चोर जो है उसे कई रास्तों से तोड़ के बाद में जाना पड़ता है, तब जाके वो हीरे को या कोई चीज को चोरी कर पाता है। और हम लोग बोलते अरे क्या पिक्चर था यार, अभी मैं आपको असली पिक्चर दिखाता हूं, ओके? असली पिक्चर, हमारी पिक्चर जो है ना कहीं ज्यादा रोमांचक है, वो तो फिल्में थी, हमको देखकर एयर कंडीशन में देखकर अच्छा लगा, लेकिन हमारे जीवन की कहानी कहीं ज्यादा रोमांचक है, जिसे परमेश्वर देखता है, मग्न होता है, खुश होता है, वाह वाह ही करता है और कहता है वेल डन, तुमने विजय पाई है, तुमने उस खजाने को संभाला है, तुमने मेरी महिमा को प्रकट किया है, तुम कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो, तुम एक हीरो से बढ़कर। हालेलुया, क्यों मालूम है, तुम्हारे मेरे जीवन में क्या आता है मालूम है, पढ़ो नेक्स्ट स्लाइड। परमेश्वर का असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरता है। हम क्लेश को भोगते हैं, क्या भोगते हैं, क्लेश भोगते हैं। यहां पर कोई व्यक्ति है जो यीशु के नाम के लिए क्लेश नहीं भोगा हो, तुम्हें शर्म नहीं आई हो काम की जगह पर ये बताने के लिए कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, अगर मैं बताऊंगा तो लोग मुझे ऐसी नजर से देखेंगे, मुझे क्लेश की नजर से देखेंगे, मेरे रिश्तेदार मुझसे क्लेश करने लगे हैं क्योंकि मैं यीशु को मानने लगा हूं। वो कहता है तुम्हारे अंदर खजाना है, असीम सामर्थ है परमेश्वर का, तुम क्लेश तो भोगते हो पर संकट में नहीं पड़ते, सताए तो जाते हो, यीशु के नाम के लिए तुम्हें सताया जाता है पर त्यागे नहीं जाते, क्योंकि यीशु नहीं त्यागता तुम्हें, लोग त्याग देते हैं, यीशु नहीं त्यागता। गिराए तो जाते हो, तुम्हें गिराया जाता है, तुम्हारी संपत्ति हड़प ली जाती है, तुम्हारे क्या बोलते हैं कई चीजों में से वो कुछ चुरा लेते हैं, लेकिन नाश नहीं है। ये परमेश्वर का खजाना तुम्हारे और मेरे अंदर है जो हमें इन सारी चीजों में विजय देता है। और ये खजाना क्या है मालूम है, इस खजाने का जिक्र नेक्स्ट लाइन में किया गया है, दसवें वचन में। ये खजाना है क्या जो तुमने अपने अंदर लेके रखा है, ओके? वो खजाना है हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हम किसको अपनी देह में लेकर जीते हैं, यीशु की मृत्यु को, उस क्रूस की बलिदान को हम याद करते हैं अपने जीवन में, अपने मनों में हम मनन करने लगते हैं, तो उस खजाने पे हमने मनन किया। तुम मुश्किल में आते हो,
तो तुम सोचते हो मैं क्या करूं, अरे मैं कहता हूं खजाने को ढूंढो, और वो खजाना क्या है, तुम्हारे अंदर है। वो क्या खजाना है? यीशु की मृत्यु, उस पर मनन करो और उस खजाने को, उस उजाले को तुम्हारे अंदर और चमकने दो। ओके, नहीं नहीं पीछे जाओ, पीछे जाओ। वचन कि अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह से प्रकट हो, हमारे अंदर से क्या प्रकट हो, यीशु का जीवन। मिट्टी के बर्तन, कौन है मिट्टी के बर्तन? तुम और मैं मिट्टी के बर्तन है। मनुष्य को परमेश्वर ने किससे बनाया, कहां से बनाया? मिट्टी से बनाया। और परमेश्वर कहता है तुम मिट्टी के बर्तन हो जिसमें मैंने अपना खजाना उंडेला है। और वो खजाना क्या है? मेरे बेटी की मौत उस क्रूस पर जो यीशु ने दी थी, उसे तुमने सुना है, उस पर तुमने विश्वास किया है, उसे तुमने ग्रहण किया है, इस मौत को लेके तुम जीते हो। और परमेश्वर कहता है ये खजाना है जो तुम्हारे अंदर मैंने मैंने उंडेला है। और वो खजाना जो है, जब वो उसका उसका रोशनी बाहर आता है, मालूम है कैसे? मटके के ऊपर से नहीं आएगा, वो मटके को तोड़कर आएगा। तुम्हें तुम्हें वो क्लेश मिलता है, तुम्हें नफरत मिलती है, तुम्हारी तुम्हें झकझोर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर से यीशु की मौत का जो प्रभाव है वो तुम्हारे अंदर से बहने लगे, ताकि उसकी महिमा, किसकी महिमा हो? यीशु की महिमा। मैं कहानी लेकर आना चाहता हूं, कहानी पसंद करते हैं हम लोग? ओके, तो ये कहानी है पुराने नियम की। पुराने नियम में यीशु के आने से पहले यीशु के बारे में कई चीजें ना परमेश्वर ने उनके साथ निभाई, और वो निभाने के बाद शास्त्र में लिख दिया गया, ताकि जब हम लोग पुराने नियम पढ़े तो उसमें से यीशु को ढूंढ के निकालें, यीशु की कुर्बानी को ढूंढ कर निकालें। तैयार है सुनने के लिए? ये है यिर्मयाह की कहानी, यिर्मयाह भविष्यवक्ता। अगले 10 मिनट लूंगा यिर्मयाह की कहानी बताने के लिए, मैं एक ही बार बताऊंगा, इसे जल्दी से पकड़ लेना। ओके, यिर्मयाह की कहानी है वो, यिर्मयाह 32 का मैं एक उसका जिक्र करूंगा, उसके जीवन के हादसे का। यिर्मयाह इसराइल का भविष्यवक्ता था। भविष्यवक्ता का काम क्या होता है? भविष्यवक्ता का काम होता है परमेश्वर के साथ समय बिताना, उसकी आवाज सुनना, वो क्या बताता है, और फिर आके लोगों को बताना परमेश्वर तुम्हारे लिए ये करता है। भविष्यवक्ता परमेश्वर के पास जाता है, उसकी सुनता है और लोगों को बताता है। पुजारी का काम क्या है? पुराने नियम में भविष्यवक्ता पुजारी और राजा थे। भविष्यवक्ता क्या करता है, फिर से बताता हूं, वो परमेश्वर से सुनता है, लोगों को बताता है। पुजारी क्या करता है? लोगों की पाप की बलि लेता है, परमेश्वर के सामने चढ़ाता है, कहता है परमेश्वर इसे कबूल कर, लोगों ने अपनी अपने पाप की कबूली और खुशी आपके सामने प्रकट की है। पुजारी फिर लोगों के लिए विनती करता है परमेश्वर के पास। और राजा क्या करता है? राजा ये देखता है कि मंदिर का कार्य परमेश्वर के तरीके से हो रहा है कि नहीं, उनको क्या जरूरत है, इस प्रजा के लोग परमेश्वर के बातों को लेकर जी रहे हैं कि नहीं, वो खुद भी चलता है और उनकी मदद करता है। वो एक राजा नहीं, वो एक सेवक की तरह पूरी प्रजा की देखभाल करना चाहता है। ये था रोल भविष्यवक्ता, पुजारी और राजा। भले ही वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर या घोड़े पर सवार होकर आता है, लेकिन उसका हकीकत का कार्य क्या था? अपनी प्रजा की सेवा था। हमारा प्रभु एक भविष्यवक्ता था, हमारा प्रभु एक महायाजक था, और हमारा प्रभु एक राजा भी है। हालेलुया, उसने ये तीनों रोल निभाया है। वो परमेश्वर की बात को सुनता था और उसने अपने जीवन की कुर्बानी दी। एक याजक की हटाकर वो एक महायाजक की तरह अपने आप को कुर्बान कर दिया, और वो राजा की गद्दी पर जाकर बैठ गया, और वहां से वो हमारी देखभाल करता। हालेलुया, हालेलुया। ओके, यिर्मयाह की कहानी पर आते हैं। यिर्मयाह क्या कर रहा था?
यरमया उन समयों में पैदा हुआ था जब इसराइल जो था ना, इसराइल का राजा, वो सब ना पतन पे थे। पतन बोला ना, वो लोग परमेश्वर पे ध्यान नहीं देते थे, अपनी मन मर्जी करते थे, और फिर वो लोग मूर्ति पूजाओं में शामिल हो गए, पूरी प्रजा को लगा दिया, हाँ ये इधर की देवी देवताएं हैं, इनकी आराधना करो, ये करो वो करो, और परमेश्वर का गुस्सा जैसे वो इसराइल देश पर आने लगा। और परमेश्वर भविष्यवक्ता के द्वारा उनको वार्निंग देता है। अब भविष्यवक्ता कौन? यरमिया। यरमिया के द्वारा परमेश्वर वार्निंग देता है, बोलता है ये मत करो, अगर तुम रुकोगे नहीं, अगर तुम अपना मन नहीं फेरोगे, तो फिर इस देश के ऊपर जो मैंने क्या बोलते हैं सुरक्षा लगाई है ना, ये सुरक्षा निकल जाएगी, मैं अपना हाथ तुम्हारे ऊपर से हटा दूंगा, और जब मैं तुम अपना हाथ हटा दूंगा तब क्या होगा, चारों तरफ जो दुश्मन है वो तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, मैं अपनी पवित्रता अपवित्र चीजों के साथ मिलावट होने नहीं दूंगा। ये परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर का चरित्र है, उसके साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। लेकिन लोग और राजा जो था परमेश्वर की बात को नहीं मानते, लोग और राजा जो था वो परमेश्वर की बात को नहीं मानते, वो अपनी मनमर्जी में लगे हुए हैं। तो फिर परमेश्वर यरमिया से कहता है, यरमिया से कहता है जा राजा को बोल कि अगर तू देश को सही तरीके से सही दिशा में नहीं लेकर आएगा तो फिर ये दुश्मन जो है वो तुम पर हावी हो जाएंगे। तो वो जाके ना राजा को बोलता है, राजा को गुस्सा, राजा बोलता है तू कैसा आदमी है रे, परमेश्वर से अच्छी अच्छी बातें बता कर देगा ना, तू यार मेरे को हमेशा ऐसी बात करता है, मेरे ही विरोधी तू बात करता है। तो राजा क्या करता है, यरमिया को ना बंदी गृह में डाल देता है। ओके, यरमिया को बंदी गृह में डाल देता है, ऐसी काल कोठरी में डाल देता है। यरमिया वहां पर परेशान होता है, फिर राजा उसे बाहर निकालता है, पूछता है परमेश्वर क्या बोलता है, फिर वो बोलता है परमेश्वर तुझसे फिर से वही वार्निंग दे रहा है, अब तुझसे ये कह रहा है। यरमिया कहता है ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर कह रहा है। और यरमिया की हालत जो थी उधर बहुत बिगड़ जाती है तबीयत। तो राजा बोलता है एक काम करते हैं, ये अगर नीचे मर गया तो वो खतरा है, इसको हम लोग मेरा जो महल है, महल के पास जो जेल है, महल की जेल में मैं इसको बंदीगृह में डाल दूंगा। तो यरमिया को नीचे से निकालकर कहां पे डाल दिया, राजा की महल की जेल है वहां पे डाल दिया। तो यरमिया वहां पर जेल में क्यों है, क्योंकि वो राजा को वॉर्न कर रहा है, राजा सावधान। और मतलब एक और बात मैंने आपको बताई नहीं, पिछले 2 सालों से ना इसराइल को नेबूकदनेस्सर की सेना ने घेरा मार के रखा है, उस देश के चारों ओर दुश्मन सेना अपना बोलते ना कि चाइना जैसे इंडिया के बॉर्डर पे बड़े बड़े रोड बनाता है, सब रेडी कर रहा है। क्यों रोड में बना के सेना उधर आके रेडी है, क्योंकि देश पर हमला करने के लिए। उसी तरह से इसराइल के चारों ओर नेबूकदनेस्सर की सेना जो थी पिछले 2 साल से वो घेरा मार के अपना बोलते ना कि सब कुछ रेडी कर रहे थे, जिस दिन उनको ऑर्डर मिलेगा वो इस देश पे कब्जा करेंगे। और आपको मालूम है इस वक्त पूरे विश्व में ये बड़ा सा हाहाकार मचा हुआ है, सबकी नजरें रशिया और यूक्रेन के ऊपर है। रशिया ने हमला कर दिया है यूक्रेन के ऊपर, पूरी तरह से हमला, नीचे से सैनिक घुस गए हैं, 1 लाख सैनिक घुस गए यूक्रेन में। ओके, ऊपर से हवाई हमला हो गया है, तीसरा साइबर हमला बोला तो तुम्हारा मोबाइल का मैसेज नहीं जाएगा, तुम किसी को भेजोगे वो कुछ और हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम फेल, सब कुछ पूरी तरह से उसको पकड़ के भोपट रहे हैं लोग, इस प्रकार का हमला। और वहां पर हमला हो रहा है और यहां पर डर के बादल छाए हुए हैं, क्या तेल महंगा होएगा, खाने का तेल महंगा होएगा, पेट्रोल महंगा होएगा, लड़ाई वो कर रहे हैं, महंगाई यहां पे होने वाली,
समझ में आ रहा है क्या है? ओके, इसराइल जो था चारों तरफ से घेरा डाल दिया गया है, इसराइल के चारों, इसराइल के लोग जो है ना वो परेशान है, बोलते बाहर जाएगा तो दुश्मन जो है वो हमको दोपट लेगा, अंदर हम जो भी खेती बाड़ी कर रहे हैं जितना भी खाने को मिलेगा यही हम कर सकते हैं, जी सकते हैं, इसके बॉर्डर के बाहर जा नहीं सकते। लोग परेशान है, सेना जो है वो डरी हुई है, इसराइल की सेना डरी हुई है, राजा अपने मस्त मौला है वो, उसको कोई फिक्र नहीं है, वो खाली चाहता है कि परमेश्वर छुड़ाए, परमेश्वर छुड़ाए। और परमेश्वर जो उसे बता रहा है कि तुम्हें छुड़ा सकता हूं अगर तुम अपना मन बदली करोगे, तो राजा सुनने को रेडी नहीं है, उसने परमेश्वर की आवाज को जेल में बंद करके रखा है। समझ गए ना, परमेश्वर की आवाज को कहां बैठा के रखा है? जेल। लेकिन परमेश्वर जेल में उतर के आता है यरमयाह के पास। अब उससे कहानी शुरू होती है जो मैं बताना चाहता हूं। रेडी सबको समझने के लिए? ओके। जेल के अंदर परमेश्वर का आवाज यरमयाह के पास आता है। यरमयाह मस्त में बैठा हुआ है और यरमयाह से क्या कहता है परमेश्वर मालूम है? उसे कहता है, यरमयाह सुन, वो शालूम का बेटा है ना, शालूम कौन? शालूम उसका चाचा, शालूम का बेटा हननील तेरा चचेरा भाई है, चाचा का बेटा, वो तेरे पास कल आएगा। और क्या आएगा लेकर मालूम है? वो अपना प्रॉपर्टी का पेपर लेकर आएगा, उसका खेती, अनातोत खेती, वो खेती का पेपर लेकर आएगा तुम्हारे पास। और वो क्या बोलेगा मालूम है? मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ करने के लिए पैसा नहीं है, ये खेती भी अभी मैं बेचने वाला हूं, क्योंकि तू मेरा चचेरा भाई है, पहला हक तेरा है, पहला हक किसका है? तेरा है इसे खरीदने का, तू इसे खरीद ले और तू उसे चांदी के सिक्कों से तू उसे खरीद ले। अब ये कौन बोला उसे? परमेश्वर बोला। अगले दिन हनानील आया। कौन आया मेरे पीछे बोलो? हनानील। ये सारे नामों में मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूं, फिर से बताता हूं। एक नाम बताया मैंने, हनानील, मेरे पीछे बोलो हनानील। किसका बेटा? शालूम का बेटा। किसका बेटा? शालूम। कौन सी जमीन लेकर आएगा वो? जमीन का नाम क्या है? अनातोत। तीन नाम बताए मैंने अभी तक, ओके, पहला नाम हनानील, दूसरा नाम शालूम, तीसरा नाम अनातोत, चौथा नाम अब बताता हूं। सच में अगले दिन कौन आता है? हनानील आता है जेल में। वो कौन सी जेल थी? वो राजा की जेल थी, अनुमति थी उससे मिलने की। तो वो आता है हनानील, बोलता है बहुजी बहुजी मैं बहुत तकलीफ में हूं, संकट में हूं। अब संकट में एक्चुअली कौन होना चाहिए? यरमयाह होना चाहिए, क्योंकि वो जेल में, उससे मदद मांगने के लिए कौन आता है? हनानील। बोलता है देख चारों तरफ सेना ने घेरा मारा है, मेरा खेती बाड़ी भी मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं खाने को, मैं बेचने वाला हूं। एक काम करेगा, सबसे पहला अधिकार खरीदने का तेरा है, तू ही इसे खरीद ले। अगर तुम और मैं यरमयाह की जगह पे होते तो क्या करते? परमेश्वर ने ऑलरेडी बोला है उसको कि ये होने वाला है, परमेश्वर ने तुमको बता दिया ऑलरेडी। यरमयाह बोलता है ओके, प्रॉपर्टी पेपर्स लेके आओ, प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर आते हैं। उस पर हनानील ने पहले ही साइन कर दिया, उस पर ऑलरेडी एक बाइबल में लिखा है, ये सब कहानी घर में जाके पढ़ना, 32 में ये पूरी कहानी है, यरमयाह 32 में, ओके, हनानील ने ऑलरेडी साइन कर दिया है, दूसरा सिग्नेचर बाकी है। दूसरा सिग्नेचर किसका? यरमयाह का। बार्गेन होता है, बातचीत होती है, 17 चांदी के टुकड़ों में वो जमीन जो थी
हनानिएल उससे खरीद लेता है और फिर वहां पर विटनेस होते हैं। विटनेस समझते हैं ना, सब रजिस्ट्रार में जाके तुम साइन मारते तो उधर विटनेस को खड़ा करना पड़ता है ना, मैं इसको पहचानता हूं बरोबर है ये। वहां पे लोग विटनेस होते हैं, ध्यान से सुनना, वो विटनेस वाले लोग भी उधर साइन करते हैं। अब प्रॉपर्टी का पेपर्स किसका हुआ, यरमयाह का हुआ। यरमयाह वो प्रॉपर्टी पेपर्स लेता है और फिर बारूक करके एक बंदा है उसके पास आया है बारूक, ओके, उसके पास वो कहता है बारूक इधर आ, ये प्रॉपर्टी पेपर्स ले और इसको मट्टी के घड़े में डालकर रख। इसमें मट्टी के घड़े में डालकर रख ताकि ये बहुत समय तक बचा रहेगा, ठीक है। अब मैंने आपको कहानी बताई, अब इस कहानी को मैं पढ़ूंगा और फिर इसका अंत करूंगा। स्क्रिप्चर्स 32वां यरमयाह 32:6 में पढ़ूंगा, ये सारे नाम आएंगे, ये कहानी आएगी, इसको पकड़ के रखना और इसमें से मैं कुछ खजाने निकालकर अंत करने वाला हूं। यरमयाह ने कहा, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, देख शल्लूम का पुत्र हनमेल जो तेरा चचेरा भाई है सो तेरे पास यह कहने के आने पर है कि मेरा खेत जो अनातोत में है उसे खरीद ले, मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। सो यहोवा के वचन के अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा, जो मेरा जो खेत बेंजामिन देश में के अनुदेश में है, बेंजामिन एक और नाम है, बेंजामिन देश के अनुदेश में है उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी होने और उसको छोड़ा लेने का अधिकार तेरा ही है, इसीलिए तू उसे मोल ले। तब मैंने जान लिया कि वह यहोवा का वचन था, ठीक है। कहानी आगे बढ़ती, मैं सिर्फ तेरे वचन पर आता हूं। तब मैंने उनके सामने बारूक को यह आज्ञा दी कि इसराइल के परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इन मोल लेने की दस्तावेजों को जिन पर अब मुहर की गई है हुई है और जो खुली हुई है, इन्हें लेकर मिट्टी के बर्तनों में रख ताकि ये बहुत दिनों तक रहे, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इस देश में घर और खेत और दाख की बारियां फिर बेची और मोल ली जाएंगी। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि अकाल पड़ गया है, गरीबी आ गई है, लेकिन परमेश्वर तुमसे कहता है कि इस देश में घर जमीन दाख की बारियां बोलते लोग खरीदेंगे और बेचेंगे, उनकी कीमतें ऊंची हो जाएंगी, उनके ऊपर लोग बिजनेस करने वाले हैं। तुम्हें लगता है बिजनेस डाउन है, परमेश्वर कहता है अब तूने अपना जमीन मेरे को दिया है, लेकिन परमेश्वर कहता है अब के बाद परमेश्वर क्या करेगा, बिजनेस को बढ़ाएगा। तुम्हें लगता है डाउन हो रहा है, परमेश्वर कह रहा है बढ़ाने वाला। हालेलुया, आइए इन नामों पर गौर करते हैं। रेडी है, मैं करने वाला हूं, खजाने बताकर नाम लेकर आए। पहला नाम हनानी, दूसरा नाम अंकल शालोम, तीसरा नाम अनातोत, जमीन का नाम, जमीन का टुकड़ा। कौन से गोत्र से है, बेंजामिन के गोत्र से। कितने सिक्कों में वो जमीन खरीदी गई, 17 सिक्कों में जमीन खरीदी गई। और किसको दिया गया, बारूक को दिया गया, बारूक इसे ले और संभाल के रख। और फिर किसमें डाल के बोला उसने, मट्टी के घड़े में, और वो परचेज डीड या सेल डीड जो था मट्टी के घड़ों में डाल दिया गया। आइए इसका मतलब निकालते हैं। हनमील का मतलब है अनुग्रह जो परमेश्वर की ओर से आता है, ये एक तोहफा है। हनमील का नाम का मतलब है अनुग्रह जो परमेश्वर की ओर से आता है। कौन है जो परमेश्वर की ओर से अनुग्रह बनकर आया, यीशु मसीह।
योहन्ना की किताब एक में पढ़ना, योहन्ना बुक ऑफ जॉन 1:1 में ग्रेस केम एज जीसस, वो यीशु अनुग्रह लेकर आया, अनुग्रह बनकर आया। ओके, नंबर टू, अंकल शालोम। अंकल शालोम का मतलब है प्रतिफल, जो तुमने बोया है उसे तुम काटोगे, बोलते ना प्रतिफल, प्रतिफल है शालोम का मतलब, तुम्हारा प्रतिफल, तुम्हारा पुरस्कार। ओके, तो तुम्हारा बदला, बोलते ना कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैंने छोड़ दिया, माफ कर दिया, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं बदला लूंगा, मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। ओके, प्रतिफल। अनादोत का मतलब है जवाब, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर, वो जमीन का टुकड़ा तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर है, तुमने मांगा था मैं तुम्हें दे रहा हूं। ओके, बेंजामिन का मतलब है, बेंजामिन का मतलब है जो राइट साइड में बैठता है, मेरा बेटा जो राइट साइड में बैठता है, कौन है जो परमेश्वर के राइट साइड में बैठा हुआ है? यीशु मसीह। ओके, 17 सिक्के, 17 सिक्कों का मतलब क्या है? 17 सिक्कों का मतलब है, 17 नंबर का मतलब है, यहूदियों में 17 नंबर का मतलब है दुश्मन पर विजयी होना, अपने दुश्मनों पर विजयी होना, पूरी विजय हासिल करना। और हमारी लड़ाई जो है कोई मनुष्य के साथ में नहीं है कि हम अपने दुश्मनों को हमारे पैरों के सामने झुकाएं, जो गांव वाले, पंचायत वाले हमसे कहते हैं कि तुम यहां पर झुको, तुम अपने परमेश्वर का अंगीकार करो, तब हम तुम्हें मानेंगे, लेकिन हमारा तरीका वो नहीं है, हमारा तरीका प्रेम का तरीका है, हमें पर लोगों को परमेश्वर के प्रेम में जीतना है। ओके, और वो विजय परमेश्वर की संपूर्ण विजय है। हालेलुया, हमें किसी को झुकाना नहीं है, हमें किसी को तोड़ना नहीं है, लेकिन उस टूटे हुए लोगों में परमेश्वर की सांस फूंकनी है कि वे भी परमेश्वर के पास आए और अपने घुटने टेके और कहें कि तू प्रभु। हालेलुया, बारूक का मतलब है आशीष, धन्य हो तुम, बारूक का मतलब है धन्य हो तुम, मत्ती 5 में लिखा है धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, और बारूक का मतलब है धन्य हो तुम। मट्टी का घड़ा, मट्टी का घड़ा कौन है? परमेश्वर ने हमें बनाया, और मट्टी का घड़ा बनकर कौन आया धरती पर? यीशु मसीह खुद मट्टी का टुकड़ा बन के आया, सही है कि नहीं? और फिर उसने वो खुद उस क्रूस पर अपने लहू से हमें खरीद लिया, सही है कि नहीं? उसने हमें किससे खरीद लिया? अपने ही लहू से उसने हमें खरीद लिया। ये एक खुशखबर है जो परमेश्वर हमारे लिए कहता है। एक और वचन में तुमसे कहना चाहूंगा और अंत करूंगा, वो ये रोमियों की किताब में लिखा है, तुम जो मिट्टी का बर्तन हो तुम दया का पात्र हो, तुम जो मिट्टी का बर्तन हो तुम परमेश्वर की नजर में क्या हो? दया का पात्र हो। जब परमेश्वर तुम्हें देखता है वो कहता है ये मेरे दया का पात्र है। तुम कहोगे तुम नीचे देख रहे हो, और परमेश्वर ऊपर से तुम पर देखता है और वो कहता है मैं अपनी करुणा और दया तुम्हारे ऊपर उंडेलना चाहता हूं, क्योंकि तुम दया का पात्र हो, तुम वो बर्तन हो जिस पर मेरी करुणा और मेरी दया उमड़ के आई है। तुमने ये दया और उसकी कृपा कमाई नहीं है, वो अपने मन से हम पर अपनी दया और करुणा करता है। हालेलुया। और मैं चाहूंगा कि आज जिस जैसे परमेश्वर का वचन आया है कि वो हमारे बीच में अद्भुत और बेहतरीन काम, वो जोरदार काम हमारे अंदर करना चाहता है, आओ वर्शिप टीम, आओ हम उसके करीब जाएं। मैं चाहूंगा ये वचनों को अपने मन में लेने के बाद आओ उस समझ को लेकर उसकी आराधना करें, क्योंकि वो अपने आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर उतर के आया। हालेलुया।